क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज है इस समय? यदि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए इस समय सांस लेना है, आप समझो बात को, यदि अभी मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब आप सही पागलपन पे हो। और ये पागलपन की तो ज़रूरत है ही ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। देखो, मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को चुनो, ये फैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको आप छोड़ दो। कोई भी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी। मैंने देखा है 90% समय जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो सही दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं। देखो, इस दुनिया में जो भी बच्चा कलम उठा चुका है, बैच ज्वाइन कर चुका है, कंपटीशन में आने का फैसला ले चुका है, वो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं। क्या ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा जिससे मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? कोई ऐसा बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता हूं? नहीं। क्या इस बैच में एक भी बच्चा ऐसा होगा जिससे मैं बोलूं तुम अपना कॉम्पिटिशन नहीं निकालना चाहते हो? कोई नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं कॉम्पिटिशन निकालना चाहता हूं, मैं सफलता चाहता हूं। तो इंटेंट में किसी की कमी नहीं है, हर इंसान का इंटेंट है मुझे निकालना। आप हमारे देश का युवा हो, हमारे देश का भविष्य हो, बस वही चीज़ है कि आपको सही चीज़ों की तरफ अपने दिमाग को लगाना है। और अभी आपके जीवन में एक ही मंजिल है, और वो क्या है? हाँ, नीट की परीक्षा, जिसके लिए आपने खुद से वादा किया था। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नीट नहीं निकला था। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले एक महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्ज्वल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा जीवन में, क्या होगा? क्यों सोचना है इस बारे में? सर, सीट्स बहुत कम हैं, लगभग 40,000 ही सरकारी सीट हैं, जनरल कैटेगरी की और कम सीट्स होंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उसमें से अपने हिस्से की सीट उसमें से आप बुक कर लो। कोई यदि आपसे पूछे तो बोल दो कि एक सीट तो मेरी होनी ही होनी है। अब आप ये कहते हो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, बोलते हो ना हमेशा कि बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर एग्ज़ाम निकालने का और मैं बहुत डिप्रेस फील करता हूँ। फैसला आपने लिया था ना नीट की तैयारी का, या माँ बाप ने लिया था? अगर माँ बाप ने लिया था तो समय आ गया है आप जाके उनसे बात करें इस बारे में। आज नहीं तो कल आपको बात करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है मैं अपने माँ बाप से जाके अगर बोल दूंगा कि पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता तो वो बहुत उदास हो जाएंगे? बेटा, जब आपका नीट नहीं निकलेगा तब भी तो वो बहुत उदास होंगे। तो उससे बेहतर है उनको अपने दिल की बात जाके आज बता दो। जो आपको लग रहा है कि उनके और आपके बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद होने वाला है, तो वो आज नहीं तो कल होगा ही ना। और हम लोग सोचते हैं ना कि इस बला को जब तक टाल सकें तब तक टाल दें, इससे आपका भविष्य तो अच्छा नहीं होगा। तो जितना भी कष्ट है जीवन में आज ले लो, आज जाके बोल दो। पर यदि नीट की परीक्षा देने का फैसला आपने लिया है तो ये परेशानियां सहने का फैसला आपका है। देखो, एक बात समझ लो बेटा, जीवन में जो परिश्रम होता है और जो सुख होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं। परिश्रम और सुख एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन है। जो इंसान चाहेगा कि वो सुखी रहे, आराम से बैठा रहे, कोई काम ना करे, वो परिश्रम नहीं कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और जो इंसान सोच रहा है कि वो परिश्रम करे, उसे सफलता मिले, उसके जीवन में एक भी मिनट का समय नहीं होगा जिसमें वो सुख और चैन और आराम से बैठा रहे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सपने रहे, एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहे। जैसे कि आप देखो कि सपने देखना और अपने सपनों को चेज करना दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एक व्यक्ति होगा, आप में से एक बच्चा होगा, जो दिन भर बैठ के सोफे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड में लेट के ये सोचता होगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मेरा नीट निकलेगा, पेपर में मेरी फ़ोटो छपेगी, मेरे इंटरव्यूज़ होंगे, मेरी हर जगह फ़ोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएंगे, और दिन भर इस तरह की कल्पना वो करता रहता है। एक दूसरा बच्चा होगा जो ये सब ज़्यादा नहीं सोचता होगा, पूरे दिन अपना परिश्रम करता होगा। तो एक होता है सपने देखना, एक होता है अपने सपनों की तरफ दौड़ना। ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ दिन भर सपने देख रहे हैं, और ये काम तो हम लोग बचपन से करते आए, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। क्या होता है, कई बार हम लोग सपनों की दुनिया में ही फंस जाते हैं।
सुबह आराम से 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, और बार बार सोच रहे हैं जिस दिन नीट निकलेगा, इस तरह से पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, कितना मज़ा आएगा। दूसरों के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, दूसरों की फ़ोटोज़ देख रहे हैं कि ये बच्चा इतनी बड़ी कोचिंग से टॉप किया है, इस बच्चे के 680 नंबर आए, और उनको देख के लगातार सपने देखे जा रहे हैं। वहीं पर एक दूसरा बच्चा होगा बेटा, जिस 5:30 बजे सुबह उठ के कॉपी किताब ले के पढ़ने बैठ गया होगा, अपना परिश्रम कर रहा होगा। तो आप चुन लो कि आपको परिश्रम चुनना है जीवन में या सुख चुनना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों चीज़ें कभी साथ में नहीं आने वाली। यदि आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, यदि आपको सुख मिल रहा है तो जीवन में आपके परिश्रम नहीं होगा। दोनों चीज़ें कभी साथ में नहीं हो सकती। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ़ कर दो। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ़ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ़ कर दो, इतने तो समझदार आप हो गए हो। पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। इतने आप पढ़े लिखे हो, इतने आप सक्षम हो, इतने आप टैलेंटेड हो कि जीवन में कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, तो आप परेशान नहीं हो, इतने निराश मत हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान ना करे यदि आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बने जीवन में, तो कोई बात नहीं, आप एक बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे। आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे, इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। इतने बेटा आप पढ़े लिखे हो कि आप भूखे नहीं मरने वाले हो जीवन में, आप बहुत अच्छा करने वाले हो जीवन में, कड़ी तपस्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। देखो माँ बाप का काम होता है आपका नाम रख देना, अपना नाम बनाना ये आपका काम है, कि दुनिया में आपका नाम बने ये आपका काम है। अपनी तरफ से माँ बाप ने आपका नाम रख दिया, उस नाम के हिसाब से आपका पालन पोषण भी किया, आपके ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया, अब ये नाम पूरी दुनिया में बने ये आपका काम है। जिस दिन बेटा आप सफल हो जाते हो ना, आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाते हैं, इससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। जिस दिन आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने, इससे ज़्यादा गर्व की बात किसी बच्चे के लिए, किसी इंसान के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। और देखो ये होता है कि हो सकता हो इस साल की मेहनत का फल इस साल ना मिले, आगे आने वाले जीवन में मिले। हो सकता हो आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि भगवान ना करे कि आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, कोई बात नहीं है, मेडिकल स्टोर खुलेगा। पर मेडिकल स्टोर की भी दुकान खोलेंगे तो ऐसी खोलेंगे कि शहर की सबसे बेस्ट मेडिकल स्टोर की दुकान है। मेडिकल स्टोर की दुकान भी खोलेंगे तो ऐसी खोलेंगे कि लोग बताएं कि ये अभिषेक की मेडिकल दुकान है ना, वहाँ से लेफ्ट ले लेना तो वहाँ जाके गूगल का ऑफिस पड़ता है, लोग ऐसे आपका रेफरेंस देना शुरू कर दें। तो जो भी करेंगे यार जीवन में एकदम ऊंचाइयों पे करेंगे, इतना मुझे भरोसा है आप कर लोगे। आप भी खुद पे इतना भरोसा रखो।